हेलो। सो चलिए शुरू कर देते हैं ये हमारा आज का लेक्चर। इसी बीच अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल मन में आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। ओके, सो शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप देख लीजिए कितने दिन बचे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हो तो अराउंड 84 दिन बच गए हैं 13 जून के हिसाब से। RO ARO की तैयारी कर रहे हो तो आपके 133 लगभग दिन बचे हैं 1 अगस्त के हिसाब से। मध्य प्रदेश PSC जैसे कि 2 बार हो रहा है तो 21 दिन बचे हैं 11 अप्रैल वाली में, और 150 से ज़्यादा दिन बचे हैं अगस्त वाली में, लगभग 150 से तो कम ही बचे हैं। झारखंड वाली में 42 दिन बचे हैं, और हरियाणा वाली में लगभग 80 दिन बचे हैं मई जून में, और 67th BPSC में 210 दिन बचे हैं करीब, और BPSC CDPO में 80 दिन के लगभग बचे हुए हैं। तो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो आप देख लीजिए इस का, बस आपको थोड़ा सा सचेत, थोड़ा सा सावधान करना है कि इतने इतने दिन बचे हुए हैं। अब ये दिनों का मतलब आपको डराना नहीं है, बस आपको सावधान करना है। तो चलिए ये सिलसिला शुरू करेंगे हम अपने सवालों का। तो हमारे जो लेक्चर है उसको लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट अभी करते जाइएगा, आपके सारे कमेंट देखे जाएंगे, एक एक करके सारे कमेंट आपके देखे जाएंगे, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो हमारे लेक्चर को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आपके जो भी साथ में प्रिपरेशन करने वाले हैं दोस्त वगैरह तो उनके ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं आप, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारा चैनल अगर अभी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो कोई भी डाउट हो तो हमारे ये काउंसलर महोदय का नंबर स्क्रीन के नीचे चलता रहेगा, तो कोई भी डाउट हो तो हमारे काउंसलर से ज़रूर बातें कीजिएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग दिया गया है, गर्म चश्मा, हिंदी में उसको चश्मा कहते हैं, गर्म चश्मा, और उसका स्थान से उसकी लोकेशन मैच करने की कोशिश की गई है। तो इन चारों में एक जो स्थान से लोकेशन मैच करी गई है वो गलत मैच करी गई है, तो वही गलत लोकेशन आपको पता करनी है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में मैच करी गई है। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, हॉट स्प्रिंग का मतलब होता है कि गर्म पानी रहता है उस कुंड में, जनरली ऐसा देखा जाता है कि सल्फर मिला हुआ होता है उसमें, सल्फर ये खेल कर देता है, तो सल्फर या फिर सियानो बैक्टीरिया ये सब मिले हुए होते हैं उस गर्म पानी में, जिससे कि वो गर्म पानी जो है वो गर्म हो जाता है। जैसे बद्रीनाथ में मिलता है आपको हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी का बद्रीनाथ में मिलता है, और भी बहुत सारी जगह हॉट स्प्रिंग मिलता है। सो हॉट स्प्रिंग जल्दी बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, मैं आपके बीच बीच में कमेंट्स वगैरह देखते जाता हूँ। तो यहाँ आप सभी का स्वागत है भाई, पल्लवी सिंह जी, प्रज्ञा जी, खुशबू जी, हेमराज जी, निशांत जी, और आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बीच में बफरिंग की शिकायत आ रही है। सो ठीक, कोई बात नहीं, थोड़ा आप अपने कमेंट करते रहिएगा, आप अपने कमेंट लिखते रहिएगा। सो मैं आपके सवालों के जवाब देता रहूँगा, बीच में बफरिंग थोड़ी देर में होके चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं भाई किस किस का आंसर आया है। यहाँ पे पल्लवी जी ने जवाब दिया है, खुशबू जी ने और निशांत जी ने यहाँ पे जवाब दे दिया है। सो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, बीच में थोड़ा सा शायद स्क्रीन ब्लर हो रहा होगा बफरिंग वगैरह के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि इसका जवाब क्या है। और कोई जवाब देना चाहे तो जल्दी से दे दीजिए इसमें, और कोई जवाब देना चाहे तो यहाँ पर। हाँ, बीच में थोड़ी सी बीच में थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जो भी सब सही है। सो यहाँ पर यूट्यूब से भी हमें ज्वाइन करा है रोशन साहब ने, RK रोशन जी, मनोज कुमार जी, आकाश गुहा जी, आप सभी का स्वागत है। सो जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जल्दी से आप जवाब देते रहिए। तो चलिए इसको फिर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, बीच में थोड़ा सा ब्लर आया था पर मेरे ख्याल से आप सही दिख रहा है, तो आप अपने जवाब वगैरह देते रहिए, इसका देख लेते हैं। सो जैसे कि आप जानते ही होंगे, जो मानिकरण है, मानिकरण तो हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पड़ता है मानिकरण, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के पास पड़ता है, और वहीं पर मानिकरण है कुल्लू के पास। और ज्वालामुखी जो है, तो ज्वालामुखी असल में हिमाचल प्रदेश में है, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में नहीं है, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में है, और अनहोनी मध्य प्रदेश में है। अनहोनी नाम की जो जगह है वो होशंगाबाद में पड़ता है, मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद जो जिला है उसमें पड़ेगा वो, होशंगाबाद। ठीक है, सो ये MP में ही है होशंगाबाद। और फिर तपता पानी, तो तप्त पानी या फिर तपता ज़्यादा सही है, क्योंकि तपता का मतलब क्या होता है, तपता यानी कि जलता हुआ, तपता पानी, तो
तो ये तप्ता पानी आपका ओडिशा में पड़ता है, गजपति, गजपति डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा ये, गजपति जो गजपति डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ेगा आपका, ओडिशा में तप्ता पानी। तप्ता पानी से रिलेटेड एक और शब्द है टट्टा पानी। तो ये कभी कभार ये जो टट्टा पानी है इसका भी जिक्र आ जाता है, पर याद रखना है कि टट्टा पानी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, वो टट्टा पानी जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, एचपी में। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, टट्टा पानी का मतलब भी हॉट वाटर स्प्रिंग ही होता है। एक टट्टा पानी उधर भी है जो आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें भी एक टट्टा पानी। तो टट्टा पानी का मतलब ही असल में हॉट वाटर होता है, तप्ता पानी या फिर टट्टा पानी, इन दोनों का मतलब हॉट वाटर होता है, गर्म पानी। और ये गर्म पानी में इसमें सल्फर मिला रहता है, सल्फर भी एक रीज़न होता है इसके गर्म होने का, पर मेन रीज़न ये होता है कि ये जो गर्म पानी है इसके नीचे की चट्टान गर्म हो जाती है, क्योंकि उस चट्टान के नीचे मैग्मा होता है, उस चट्टान के नीचे मैग्मा लावा वगैरह होता है, तो वो चट्टान को गर्म कर देता है, और उस चट्टान गर्म होने के कारण उसके जस्ट ऊपर जो पानी रहता है वो गर्म हो जाता है। तो ये पानी जैसी एक और चीज़ पाई जाती है हमारे नेचर में, जिसको आप गीज़र कहते हो। तो ये गीज़र नहीं है, याद रखिएगा, ये हॉट स्प्रिंग है, ये गर्म चश्मा है, हिंदी में इसको गर्म चश्मा बोलते हैं। इसी की जैसी एक और चीज़ पाई जाती है हमारे नेचर में, जिसको आप गीज़र बोलते हो। तो गीज़र में होता क्या है कि पानी नीचे एक चैम्बर रहता है, पानी गर्म हो जाता है, वो स्टीम में परिवर्तित हो जाता है, स्टीम भाप बन जाती है, और फिर वो भाप जब एकदम ऊपर निकलती है तो अपने साथ पानी का फुव्वारा, गुब्बारा, पानी का फुव्वारा, फाउंटेन लेकर निकलती है। तो जिसमें पानी का फाउंटेन निकलता है उसको गीजर कहा जाता है, और जिसमें नहीं निकलता बस गर्म पानी रहता है उसको हॉट स्प्रिंग। तो गीजर बहुत रेयर होते हैं, हॉट स्प्रिंग तो हर जगह मिल जाएंगे आपको, भारत में इतनी सारी जगह मिल गए, पर गीजर रेयर होते हैं। गीजर का आपको एग्जाम्पल पता करना हो तो गीजर का एग्जाम्पल है येल्लो स्टोन नेशनल पार्क, या अमेरिका का येल्लो स्टोन नेशनल पार्क, जो कि यूएसए में बफेलो नाम की जगह पर मिलता है, येल्लो स्टोन नेशनल पार्क, ये याद कर लो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। सो ये गीजर है, गीजर में क्या होता है, पानी का फुव्वारा छूटता है, एकदम पानी का फुव्वारा छूटता है, पर जो ये हॉट वाटर होता है इसमें पानी का फुव्वारा नहीं छूटता, इसमें बस गर्म पानी रहता है। कई बार तो गर्म पानी, इतना गर्म पानी रहता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है नीचे कूदते समय उस हॉट स्प्रिंग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर आपको पता ही है, अब ज्वालामुखी जो है वो आपके धर्मशाला के पास हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। सो ये इसका आंसर था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा और ये रहा। सो जल्दी से इसको लिस्ट को, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच कर दीजिए और फिर सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो लिस्ट वन में ट्राइब्स के नाम दिए गए हैं, जनजाति के नाम दिए गए हैं, जैसे कि टोडा, जैसे कि लेपचा, जैसे कि ब्लूड, और जैसे कि गारो, ये तो सुने ही होंगे आपने। सो इन सबको आपको उनकी स्टेट से जमाना है, उनकी रेस्पेक्टिव स्टेट। तो ये बात सही है कि एक ट्राइब एक से ज़्यादा स्टेट में हो सकती है, पर यहाँ के जो स्टेट हैं वो दूर दूर हैं, सिक्किम, मेघालय, तमिलनाडु, झारखंड, तो आप जमा सकते हैं। तो एक ट्राइब एक से ज़्यादा स्टेट में हो सकती है, पर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली, वो वाली प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। तो जमा दीजिए जल्दी से, तो चलिए जल्दी जवाब दीजिएगा इसका। तो देख लेते हैं, ओके, इंडिया में गीज़र नहीं मिलते, इंडिया में गीज़र बहुत रेयर होते हैं, गीज़र जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, इंडिया में बहुत मुश्किल से मिलते हैं गीज़र, पर इंडिया में हॉट वाटर स्प्रिंग जरूर मिलते हैं, स्प्रिंग जो होते हैं गर्म चश्मे वो हमने देखी इतने सारी जगह पर। गीजर का एग्जाम्पल मैंने बता दिया, येल्लो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका। बता दो भाई, इसमें तो काफ़ी लोगों ने बता दिया आंसर, नायक जी ने दिया है, पल्लवी जी ने दिया है, एकता जी ने दिया है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं आंसर, ये मतलब इसमें देखो सबसे सिंपल तो गारो वाला है, गारो तो आपको पता होना चाहिए, गारो कहाँ पाई जाती, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीन ट्राइब्स हैं मेघालय की, ठीक है ना। सो इसमें अगर आपको गारो, गारो सबको पता होना चाहिए, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों मेघालय की ट्राइब हैं, ठीक है ना, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता तो लिख लो नाम, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों मेघालय की ट्राइब हैं, जयंतिया या फिर जयंतिया ए लिख दो, ठीक है। इसके अलावा लेपचा ट्राइब भी आपको पता होगी कि वो सिक्किम की ट्राइब है, लेपचा भी आपको पता होगा, और फिर आपका तोड़ा वगैरह आपके तमिलनाडु की ट्राइब हो जाएंगी। तो ये इतना भी कठिन क्वेश्चन नहीं था, ये सिंपल ही क्वेश्चन था, ये मतलब आपने जैसे लेपचा ट्राइब हमने पढ़ाई है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो ये लेपचा जरूर पढ़ा होगा कि सिक्किम में पाई जाती है, गारो खासी जयंती आपको याद ही होगा कि ये मेघालय की ट्राइब है, और तोड़ा ट्राइब तमिलनाडु की है, अगर ये याद नहीं था तो याद कर लो, या बिरूड ट्राइब जो है वो झारखंड की ट्राइब है, ये नहीं याद था तो याद कर लो। तो इन क्वेश्चंस का यही फायदा है कि एक तो आपको नई इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है,
जो चीज़ आपको नहीं आती वो याद कर लो, और जो चीज़ आपको आती है उसमें बस आप ये समझ लो कि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो 2015 में ये पूछा गया था, तो 2021 में भी इसी तरह के सवाल फिर से पूछे जाएंगे। तो आप उसी तरह से, अब आपने इस सवाल से क्या सीखा कि आपको सारी ट्राइब की लोकेशन याद कर लेनी है, मतलब जो भी ट्राइब है, लेपचा ट्राइब, बिरूड ट्राइब, संथल ट्राइब, हो मुंडा ट्राइब, इस तरह की जितनी भी ट्राइब है, चेचू चेचू ट्राइब, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये सारी लिस्ट बना लेनी है कहीं से जुगाड़ के। विकीपीडिया पे लिख दो कि मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया, या फिर जो भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है PVTG ऑफ इंडिया, वो कहाँ पाई जाती है, तो वो सारी लिस्ट आपको तैयार कर ली है एक पेज में, और उसको रट लेना है, और वो सवाल 2021 में आ सकता है, तो बता देना ये वाली ट्राइब यहाँ पाई जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सो आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन में करेक्ट सीक्वेंस में जमाना है, और उसको अवरोही क्रम में जमाना है, अवरोही मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो जमा दो भाई जल्दी जल्दी, देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सवाल का सही जवाब दिया था पिछली बार, ये नायक जी, पल्लवी जी, दिव्या जी, निशान जी, तो आप सभी ने सही जवाब दिया था। बता दो भाई अगला इस सवाल का जवाब भी बता दो, अगर पता है आपको कि फिश प्रोडक्शन के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जमाना है, तो जमा दो आप। सो यहाँ पे ठीक है भाई, आगे बढ़ते जाते हैं हम, तो जल्दी से बताओ फिश प्रोडक्शन के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जमाना है, सो जमा दो जल्दी से जल्दी। यहाँ पे YouTube के कमेंट दिखना थोड़ा से बंद हो गए हैं, पर देखते हैं। बता दो भाई बता दो, YouTube वाले हो तुम भी बताओ जल्दी से जल्दी, ये आ गए YouTube के कमेंट। सो YouTube पे भी काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया था पिछला, जैसे कि आपके सुहानी कुमार जी ने सही आंसर दिया था, और ये सोनाली सिंह जी ने सही आंसर था ये, और मेरे ख्याल से ये वाले का जवाब दे दिया आपने, मनोज कुमार जी, रोहित कुमार जी यादव, और सुहानी कुमार, सुमित्रा गोड़ा जी, आप सभी ने ये सही, ठीक है चलिए। सो आप सभी ने आंसर दे दिया है, तो देख लेते हैं आप, यहाँ पे सोनाली सिंह जी ने फिर से आंसर दिया है। सो इसका जो आंसर है सी है, ज़्यादातर लोगों ने सही दिया है इसका आंसर, तो 5 मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट याद कर लो, ठीक है ना, ये फिर से पूछा जा सकता है। तो 2012-13 का डाटा है ये, पर लगभग ये डाटा उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा तो नहीं, पर पश्चिम बंगाल बहुत ज़्यादा फिश प्रोड्यूस करता है। फिर आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, तो क्योंकि ये 2012-13 का डाटा है, ये चेंज हुआ होगा क्योंकि आंध्र प्रदेश इतना ज़्यादा नहीं करता, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में डिवीज़न हो गया। तो हालांकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की सी कोस्ट से तेलंगाना की तो सी कोस्ट नहीं, पर मोस्ट प्रॉब्ली ये जो फिश प्रोडक्शन का डाटा है, ये मीठे पानी की मछली और खारे पानी दोनों को मिला के डाटा है। तो गुजरात भी अच्छी खासी फिश प्रोडक्शन करता है, पर गुजरात में तो ज़्यादातर लोग वेजिटेरियंस हैं, सो वो एक्सपोर्ट कर देता है फिश, मतलब गुजरात में स्टेट में काफ़ी ज़्यादा फिश प्रोडक्शन होता है, पर वो एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक है, मतलब दूसरे राज्यों में भेज देता है। केरला तो डेफिनेटली करता ही है, केरला तमिलनाडु भी ठीक ठाक कर लेता है। तो इससे क्या समझ में आया कि अभी डेटा निकाल लो आप फिश प्रोडक्शन का, तो अभी प्रेजेंट डेटा 2021 का डेटा अगर हो, या फिर 2019-20 का हो, तो वो डेटा निकाल लो और उसमें टॉप 5 स्टेट जो है वो याद कर लो, तो इसी से यही सीख सकते हो आप इस सवाल से, ठीक है चलिए। सो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है आज पूरे मतलब हमारे उसका लेक्चर का, कि अरेंज द फॉलोइंग इन एटमॉस्फेरिक जोन्स इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे, अल्टीट्यूड अचीव करोगे, तो कौन कौन से जोन्स आपको देखने को मिलेंगे, उन सब जोन्स को क्रम में जमाना है। तो यार ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप सभी इसका जवाब दे दो। तो पिछला जवाब काफ़ी लोगों ने सही दिया था, इसका भी जवाब दे दो। हाँ, आंध्र प्रदेश हाईएस्ट है, पर ये आंध्र प्रदेश का ये थोड़ा सा पुराना डाटा था ना, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का मिला के डाटा है। तो आप 2021 का डाटा जरूर कलेक्ट कर लेना टॉप 5 फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स का। सो ठीक है भाई बताओ जल्दी। सो ओके पिछला ओके तो चलो बता दो जल्दी, ये तो सिंपल ही है, ये मतलब अब इससे सिंपल सवाल क्या ही होगा, ठीक है ना। सो जल्दी बता दो पिछला वाला, रुको आपने कुछ पूछा था 21 में आरो यारो, जीके जीएस हिंदी ही नहीं, दोनों ही आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही आता है, हिंदी केवल हिंदी क्यों आएगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सो ये इसका देख लेते हैं, अभी तो इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता, इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि ज़्यादातर लोगों ने सही दिया है और सही देना भी चाहिए था, ये सिंपल ही है। जनरली अबाउ 5 सर्किल्स और लेयर्स जो होती हैं अर्थ की, मतलब बिल्कुल पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर आएगा, ठीक है ना, ट्रोपोस्फियर वो 8 से 18 किलोमीटर तक आएगा ये ट्रोपोस्फियर, मतलब ये वेरी करता है, मतलब ये जो आपका इक्वेटर है उस पर एयर ज़्यादा गर्म हो जाती है तो ज़्यादा हल्की हो जाती है, ज़्यादा ऊपर तक चली जाती है, तो इक्वेटर पर 18 किलोमीटर होता है, और पोल्स पर एयर कोल्ड होती है तो एयर नीचे डिसेंड कर जाती है, तो पोल्स पर थोड़ा सा 8 किलोमीटर होता है, 8 से 18 किलोमीटर या फिर 6 से 16 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट। स्ट्रेटोस्फीयर, तो उसके 18 किलोमीटर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर चालू हो जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर है,
स्टेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर होती है। तो स्टेटोस्फीयर आ जाता है, उसके बाद मेजोस्फीयर आ जाता है, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ये पांचों लेयर अगर आपको नहीं याद थी तो कोई बात नहीं, आप याद कर लो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा डिस्कस करने का है नहीं, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, कॉपर का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इनमें से कौन सी कंट्री है, ठीक है ना, तो जल्दी बताओ। पिछला काफी सही जवाब दिया था लोगों ने, जैसे कि दिव्या जी ने, मीनाली जी ने, और निशांत जी ने, पीयू जी ने, गौरव जी ने, जूली जी ने, एकता जी ने, और पल्लवी जी ने, राणा जी ने, तो सही था ये आपका सबका जवाब, मीनाली जी ने। तो अच्छी बात है यार, पिछला ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया था, तो अच्छा लगा मेरे को देख के कि इतने सारे लोगों ने जवाब दिया, जूली जी ने भी जवाब ही दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो इसका अच्छा, इसका कुछ लोगों को पता है इसका जवाब, जूली जी ने जवाब दे दिया है, बाकी आपने अटेम्प्ट मारा है, बाबूराम जी, एकता जी, आपने भी जवाब दे दिया इसका। सो चलिए देख लेते हैं इसका। तो इसका तो देखो ऐसा है, ये ऐसे जो सवाल होते हैं ना, इनमें ज़्यादा समय नहीं स्पेंड करना चाहिए। दिव्या जी ने भी यहाँ पे जवाब दे दिया। तो ऐसे जो सवाल होते हैं ना, इनमें ज़्यादा समय नहीं स्पेंड करना चाहिए, ये या तो आते हैं या नहीं आते हैं। तो इस सवाल से आप यही चीज़ सीखो। क्या चीज़ सीखोगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये चीज़ सीखने की है कि देखो ऐसे जो सवाल होंगे उसमें आप उतना लॉजिक लगाने का स्कोप नहीं रहता। लगा सकते हो बहुत बार लॉजिक, पर इसके सवाल को अगर आपको नहीं आता है तो इसको तुरंत स्किप कर देना चाहिए, बिना टाइम वेस्ट करे तुरंत स्किप कर देना चाहिए, दूसरे सवाल देखना चाहिए, और ऐसे सवाल को दूसरे राउंड के लिए रखना चाहिए, क्योंकि या तो आपको ये आता है या फिर ये आपको नहीं आता है। तो इसका आंसर है, कुछ लोगों ने दे दिया था इसका जवाब, तो चिली इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का, ठीक है ना। तो तांबे का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका चिली हो जाएगा। इंडिया, इंडिया नहीं है बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, इंडिया तो माइनर प्रोड्यूसर है कॉपर का। इनफैक्ट अगर आप इंडिया की रैंकिंग देखोगे तो मुश्किल से टॉप 30 में आएगा इंडिया, कुछ 29वें 30वें नंबर पे आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो कॉपर की कम ही माइंस है। क्योंकि कॉपर की जो फेमस माइंस है, अगर आपको याद करना हो तो एक तो हमारी खेतरी माइंस है कॉपर की, जो कि आपके राजस्थान में पड़ती हैं। एक हमारा एरिया है, मतलब मध्य प्रदेश का, साउथ मध्य प्रदेश का एरिया, मलंजखंड भी फेमस है कॉपर के लिए। सो हमारे यहाँ इक्का दुक्का ही माइंस है, मलंजखंड मध्य प्रदेश में पड़ेगा, तो इक्का दुक्का ही माइंस है हमारे यहाँ कॉपर की। कॉपर का हम उतना मेजर प्रोड्यूसर नहीं है, हमको इंपोर्ट ही करना पड़ता है कॉपर। कहाँ इस्तेमाल होता है कॉपर, इलेक्ट्रिकल्स में, इलेक्ट्रिक वायर जो है, या आसपास जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल वायर लगे हैं उसको अगर आप खोद के देख लोगे तो उसके अंदर आपको कॉपर ही दिखेगा, कॉपर के ही बनते हैं सारे। ठीक है, चलिए। सो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन, इसमें यही है सिंपल बात कि या तो पता होगा या फिर नहीं पता होगा। तो जो जनरल मेटल्स हैं, जैसे कि आयरन ओर हुआ, या फिर आपका सिल्वर हुआ, तो गोल्ड हुआ, इन सबके जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं या फिर टॉप 3 प्रोड्यूसर्स हैं उनको रटना है। तो इस सवाल से ये सीखना है, दो चीज़ें सीखनी है, एक ये कि अगर ऐसे सवाल आपको नहीं आते हो तो तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाओ, और दूसरी कि अभी तो प्रिपरेशन फेज चल रहा है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेली यूज में काम आते हैं, आयरन है, कॉपर है, एलुमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, इन सब का आप याद करके रख लो कि टॉप प्रोड्यूसर कौन है या फिर टॉप 3 प्रोड्यूसर कौन है। जैसे सिल्वर का बता देता हूँ मैं, सिल्वर का मेक्सिको है, सिल्वर का जो है टॉप प्रोड्यूसर आपका मेक्सिको आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रख लेनी है, ठीक ना, ये सिल्वर और फिर गोल्ड का याद कर लो, और इस तरह से आप सभी के याद कर लेना। तो यही सीखना है इस सवाल से कि ये सारे टॉप प्रोड्यूसर्स याद करके रखो, कब क्या पता किसका कौन पूछ ले, ठीक है ना, 2021 में पूछा सकता है, इसी तरह के सवाल पूछेंगे और क्या। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। सो अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, नेम ऑफ द कंट्री विच मीन्स कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स, 40 कबीलों का देश, 40 कबीलों का देश, इनमें से किसका नाम है, तो उसके नाम में ही ये शब्द छुपा है, 40 कबीलों का देश। तो देखिए ये तो एक तरह का इत्तेफाक वाला क्वेश्चन होगा कि या तो आपको ये आता होगा या फिर आपको नहीं आता होगा। तो अगर आपको आता है तो तुरंत लगा दो इसको जवाब को आंसर, या फिर आगे बढ़ जाओ। तो अगेन सेम ही तरह का क्वेश्चन है कि इस पर ज़्यादा समय स्पेंड नहीं करें इन सब सवालों पर, क्योंकि या तो आपको आता होगा या फिर आप जितना भी दिमाग खपा लोगे ये क्वेश्चन आपको हो सकता है नहीं आए। तो ये अगर किसी को पता हो तो जल्दी से बता दो, उज़्बेकिस्तान है कि तजाकिस्तान है कि किर्गिस्तान है कि कजाकिस्तान है, तो उसमें इसका नाम का जो कंट्री है उसके नाम का मतलब ही यही है, कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स, 40 कबीलों का देश। तो देख लेते हैं आपको अगर किसी ने बताया हो इसका आंसर। अरे इसमें तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दे दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है, आपने सही बताया था मेक्सिको, वो सिल्वर का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मेक्सिको, बिल्कुल सही बताया था। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने आंसर दिया है, बाबूराम जी, सोनी जी, और ये अपने दिव्या जी, राणा जी, जीतू जी, सोमा जी, एकता जी, जूली, मीनाली, आपने ये आंसर दिया है इसका। ठीक है, सो लग रहा है बहुत सारे लोगों को पता था इसका आंसर, तो चलिए देख लेते हैं इसका। आंसर बी है इसका, किर्गिस्तान। किर्गिज का नाम का ही शब्द का मतलब है 40 कबीलों का देश। किर्गिज का किर्ग का अर्थ है 40, और हिज
यज्द या फिर इज का मतलब है कबीला और इस्तान का मतलब है क्षेत्र, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है ना। सो ये किर्गिस्तान है, ये नहीं याद था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब याद कर लो। तो यही फायदा है टेस्ट देने का कि टेस्ट में अगर आपका सवाल का जवाब गलत होता है तो बुरा बिल्कुल नहीं मानना है, याद कर लेना है। ऐसा सोचना है कि चलो हमारा सवाल का जवाब गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मतलब याद कर लेंगे, तो याद करेंगे आगे नॉलेज बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो इसका किर्गिस्तान था, ये याद कर लो। कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स, तो इसका मतलब है कि बाकी जो है, बाकी ऑप्शंस जो आर तिरछे नाम के देश हैं उनके अगर चाहो तो एशिया के कंट्रीज के नाम याद कर लेना। कजाक का मतलब क्या है, अफगान का मतलब क्या है, तजिक का मतलब क्या है, तो वो भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल पूछा गया है तो आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपके सामने आएगा। सो अगला सवाल जो है वो ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो मतलब सही नहीं है। तो ये जो आपके डैम्स बताए गए हैं, ये वर्ल्ड फेमस डैम्स हैं, ग्रांड कूली डैम, हुवर डैम, नुरेक डैम, कोहोरा या फिर कोबरा डैम, तो ये किस किस नदी पर बसे हैं यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें से एक जो डैम है वो गलत दिया हुआ है, वो कोई सी और नदी पर बसा है। तो क्या वो ग्रांड कूली डैम है, या फिर वो हुवर डैम है, या फिर वो नुरेक है, या फिर वो कोबरा डैम है। तो एक कोई सा डैम है जो कि उन्होंने नदी गलत दे रखी है कि उस नदी पर नहीं बसा है। तो ऐसे वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं, तो अगर ये पता हो तो आप बता दो, किसी को पता हो तो बता सकता है। तो पिछला आंसर काफ़ी लोगों ने हाँ, तो सेंट्रल एशिया की सबसे लार्ज कंट्री है कजाकिस्तान, बिल्कुल सही है। सेंट्रल एशिया की जो सबसे लार्ज कंट्री है वो है कजाकिस्तान। तो इसका बहुत से लोगों ने आंसर दिया है, पर मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादातर लोगों को ये पता है, क्योंकि सबने गलत आंसर दिया है। पर ये यहाँ पे जूली जी और जीतू जी ने सही आंसर दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंट्रल एशिया का किसी ने मुद्दा उठाया, तो सेंट्रल एशिया में आपको पता है ना किस तरह से याद करते हैं उनकी कंट्रीज को, इस तरह से याद करते हैं कुत्ता से। देखो KKUTTA, ये है सेंट्रल एशिया की कंट्रीज। वो अपनी आपको याद है एकता कपूर के एक सीरियल आता था ना, कसौटी जिंदगी की कहानी, घर घर की, उन सब में वो 2 K लगाती थी, दो दो K लगाती। तो उससे आपको भी यहाँ पे एकता कपूर की तरह 2 2 K लगाने हैं, ठीक है ना। अब ये कंट्रीज के नाम याद हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी कंट्री जो है वो हो जाएगी कजाकिस्तान, कजाकिस्तान ये कंट्री हो जाएगी, कजाकिस्तान, ठीक है ना, कजाकिस्तान। ओके, उसके बाद ये दूसरी जो के है ये कंट्री हो जाएगी आपकी किर्गिस्तान, के सभी में स्थान आएगा। फिर ये कंट्री हो जाएगी आपकी उज्बेक, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से ही बाबर आया था, उज्बेकिस्तान में ही फरगना वैली लोकेटेड है, उसी से बाबर आया था। फिर दूसरी कंट्रीज हो जाएंगी आपकी तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान, ये हो जाएगी तजिकिस्तान। और ये हो जाएगी आपकी अफगानिस्तान। हालांकि अफगानिस्तान का पूरा पार्ट जो है वो सेंट्रल एशिया में नहीं आता है, क्योंकि अफगानिस्तान के बीच में से एक हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला गुजरती है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के साउथ का जो पार्ट है, जहाँ आपको काबुल, गांधार, गजनी जैसे सिटी मिलेंगे साउथ पार्ट में, वो साउथ एशिया का पार्ट है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो अफगानिस्तान पूरी तरह से सेंट्रल एशिया में नहीं आता, तो अफगानिस्तान को छोड़ भी सकते हैं। पर बाकी जो 5 कंट्रीज है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं वो आपकी सेंट्रल एशिया में लाई करती हैं। और इन सब की कैपिटल अगर हो सके तो इन सब की कैपिटल भी याद कर लेना, ठीक है ना। सो इसमें से एक की कैपिटल का नाम चेंज हुआ है पिछले सालों में, मेरे ख्याल से शायद वो कजाकिस्तान है। सो इसमें से किसी एक कैपिटल का नाम चेंज हुआ है वो भी याद कर लेना। तो इन सब की कैपिटल इंपॉर्टेंट है, इन सब की कैपिटल आपको याद करनी होंगी। तो अफगानिस्तान की तो याद है आपको काबुल, तजिकिस्तान को दुशानबे हो जाएगी, उज्बेकिस्तान की ताशकंद हो जाएगी। तो ये आप ये याद कर लेना, तो मतलब इसकी सबकी कैपिटल याद कर लेना, और याद रखना कि एक इसमें से एक की कैपिटल का नाम चेंज हुआ है, तो उस कैपिटल का जरूर नाम याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस सवाल का जवाब किसने किसने दे दिया है। तो ये जो सवाल था ये मतलब हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, जैसे कि आपके जवाब से लगी रहा है। नूर सुल्तान, बता दिया आपने कजाकिस्तान की कैपिटल का नाम चेंज हुआ है। कजाकिस्तान की कैपिटल का नाम पहले शायद अस्ताना हुआ करता था, दो दो ये आते हैं, अस्ताना सबसे बड़ा कजाकिस्तान ही है, नूर सुल्तान नाम चेंज कर दिया उन लोगों ने। तो बाकी फिर ताशकंद, बिश्केक वगैरह वगैरह आप देख लेना, ठीक है। सही बताया आपने, एकता जी और मिनाली जी के नूर सुल्तान है, उसका नाम चेंज हुआ है, ठीक है। सो ये देख लेते हैं हम, ये कि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं था, कोई दिक्कत बात नहीं है। हूवर डैम है, वो हूवर डैम जो है वो कोलोराडो नदी पर है, कोलोराडो नदी। ये हूवर डैम आपने फिल्मों में देखा होगा, एक बहुत बड़ा डैम है जो इस तरह का दिखता है, इस तरह का ये डैम है हूवर डैम, वो आप देख लेना, कोलोराडो नदी पर है।
कोलोराडो नदी वही नदी है जो कि ग्रांड कैनियन बनाती है, ग्रांड कैनियन बनाती है कोलोराडो रिवर। सो ये देख लेना आप, कोलोराडो नदी वही है जो कि एरिजोना में बहती है, और एरिजोना में ये बहुत ही सुंदर ग्रांड कैनियन बनाती है। कैनियन मतलब क्या है? कैनियन मतलब वो गोर्ज होता है, डीप गोर्ज, जो कि जिसके आसपास दोनों तरफ ऐसी सीधी सीधी पहाड़ियाँ होती हैं, स्कार्पमेंट्स, स्टीप वॉल्स, सीधी दीवारों की तरह पहाड़ियाँ होती हैं, और उसके बीच में से नदी गुजरती है। तो ये कोलोराडो रिवर जो है वही ग्रांड कैनियन बनाती है, और वो यूएस बॉर्डर ऑफ एरिजोना एंड नेवाडा स्टेट जो है, नोडा लिख रखा है, नेवाडा नेवाडा स्टेट जो है उसमें से गुजरता है ये। और पहले इसको बुल्डर डैम भी कहा जाता था, क्योंकि एक ये कंक्रीट ग्रेविटी आर्च डैम है। आर्च डैम का क्या मतलब होता है? ये इस आर्च की तरह होता है, तो इसमें इधर साइड पानी नहीं बना रहता, इधर साइड पानी भरा रहता है, इधर साइड, क्योंकि वो आर्च की तरह होता है। ठीक है, चलिए। सो ये था, आगे इसमें कोई डाउट हो तो पूछते रहना, आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। और वो जो जितने भी स्थान हैं, 5-6 स्थान जो हैं, उनका उनके नाम और उनकी कैपिटल याद कर लेना सबकी, वो इम्पोर्टेंट है, वो पूछी जा सकती है कजाकिस्तान वगैरह की, जिसका नूर सुल्तान तो खासकर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैपिटल का नाम चेंज करा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इस बार अगेन आपको जगह दी गई है, और आपको बताना है कि वो जो नाम है उस जगह का वो किस नाम से फेमस है। जैसे कि एक गोल्डन ट्रायंगल है, वो कौन सा है इन चारों में से? एक बरमूडा ट्रायंगल है, तो बरमूडा ट्रायंगल इन इन जगहों में से कौन सा है? फिर एक राइस बॉल ऑफ फार ईस्ट है, सुदूर पूर्व का धान का कटोरा, तो वो किसे कहा जाता है? और एक रेड बेसिन है, रेड बेसिन किसे कहा जाता है? तो इसमें ये राइस बॉल ऑफ फार ईस्ट जो है, अब इंडिया में भी एक राइस बॉल है, मतलब भारत के धान का कटोरा, तो भारत के धान का कटोरा तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसी को नहीं पता है तो लिख लो, इंडिया की राइस बॉल, या फिर राइस बॉल ऑफ इंडिया, मतलब चावल का कटोरा, धान का कटोरा, धान का मतलब चावल ही होता है, सो उसमें कंफ्यूज मत करना, धान कहते हैं बहुत सारी जगह। तो चावल का कटोरा भारत में, कटोरा वो भारत में छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, तो ये चीज़ याद रख लेना। पर वर्ल्ड के लेवल में जो फार ईस्ट का जो कटोरा है वो किसको कहा जाता है, वो आपको याद होना चाहिए। इनफैक्ट हिंट भी दे सकता हूँ मैं, ये जो देश है राइस बॉल ऑफ फार ईस्ट, इस देश के बारे में फेमस है कि इसने अपना 1/3 GDP केवल चावल बेच के पाया था। 1/3 of the GDP जो है वो इसका राइस का एक्सपोर्ट करके इसको मिला था। 1/3, बहुत बड़ी बात होती है, 1/3 GDP केवल एक ही प्रोडक्ट से मिलना बहुत गलत बात है। उस देशों ने करा था ऐसा कि अपने, मतलब जैसे वेनेजुएला है, वेनेजुएला ने 80% इकोनॉमी वेनेजुएला की केवल एक ही प्रोडक्ट पर बेस थी, पेट्रोलियम यानी कि ऑयल। तो ऑयल की प्राइसेस जैसे गिरी तो उसका पूरा GDP चौपट हो गया वेनेजुएला का। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं इसका जवाब किसी ने दिया हो। अरे यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम्स आ गई है, पर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बता दो भाई, बता दो। इसमें कोई बफरिंग हो रही है माना, पर इसमें कोई आपको आंसर लिख दो, अगर आपको इसका आंसर पता था तो आप लिख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा बफरिंग की प्रॉब्लम शिकायत आ रही है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर आपको पता हो तो आप लिख दो, अब मेरे ख्याल से ठीक हो गया है। इसका आंसर लोगों ने दे दिया है, देखते हैं। कुबा, कुबा बीच में कैसे आया? क्यूबा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। सो ये आपका ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर। ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर या तो बी दिया है या फिर डी दिया है, तो इसका आंसर हम पता कर लेते हैं, इसका आंसर है बी। ठीक है ना, सो गोल्डन ट्रायंगल जो है वो ओपियम ट्रेड के लिए मशहूर है। ओपियम आप जानते ही हो, अपना अफीम, ओपियम ट्रेड के लिए मशहूर है। साउथ ईस्ट एशिया जो है उसमें गोल्डन ट्रायंगल उसको बोला जाता है। एक गोल्डन क्रिसेंट भी है, एक जैसे गोल्डन ट्रायंगल है, ये तो आपका साउथ ईस्ट एशिया है, उधर म्यांमार, म्यांमार और उसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। पर इस तरह का एक गोल्डन क्रिसेंट भी है, गोल्डन क्रिसेंट, यहाँ पर भी यही फंडा है, गोल्डन क्रिसेंट, तो ये यहाँ पर भी यही फंडा है। उसमें आपका ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला रीजन आ जाएगा, वो गोल्डन क्रिसेंट कहलाता है, वो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इस तरह से, सो ये गोल्डन क्रिसेंट कहलाता है। और यहाँ पर भी ओपियम की खेती होती है, कई बार तो चोरी छिपे होती है, और उसी तरह से इधर गोल्डन ट्रायंगल है। तो इंडिया के एक साइड गोल्डन ट्रायंगल है, जिसकी एक कंट्री म्यांमार भी है जो कि हमारी बॉर्डर कंट्री है, और इंडिया के दूसरी साइड गोल्डन क्रिसेंट है, जिसकी दो दो कंट्री है हमारी बॉर्डर कंट्री, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो इधर गोल्डन क्रिसेंट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान आएंगे, और उधर जो हमारे काम की कंट्रीज है वो है म्यांमार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बरमूडा ट्रायंगल तो सभी को पता है, बरमूडा ट्रायंगल जो है वो अटलांटिक ओशन में है, अमेरिका
कि जो फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा से शुरू होता हो सकता है, फ्लोरिडा से शुरू कर सकते हैं और इसके नीचे वो आपका जो करीबियन आइलैंड्स हैं वहाँ पे बरमुडा ट्रायंगल है, तो फ्लोरिडा उसका एक कोना है बरमुडा ट्रायंगल का, दूसरा कोना जो है वो करीबिया में आता है, कैरिबियन आइलैंड्स में आता है, उसके बीच का जो ट्रायंगल है वहाँ पर ऐसा माना जाता था कि वहाँ से जो भी प्लेन प्लेन निकलता था उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के कारण खराबी आ जाती थी और वो डूब जाता था, गिर जाता था, पर आजकल ऐसा नहीं है, उसके ऊपर से निकलते हैं बहुत सारे प्लेन, कुछ नहीं होता उनको, सो पुराने ज़माने में होता था। अब ठीक है, राइस बॉल ऑफ फार ईस्ट, तो सुदूर ये म्यांमार है, तो म्यांमार एक ऐसी कंट्री है जिसने अपना 33% एक्सपोर्ट जो है वो केवल एक ही प्रोडक्ट पर बेस कर रखा था कुछ साल पहले तक, वो था राइस। सो ये सब नहीं करना चाहिए। वेनेजुएला का हमने हाल देखा ही है कि उसने 80% प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट बेस बना रखा था, उसको डाइवर्सिफिकेशन नहीं करा था उसने, जैसे कि रशिया ने गलती करी थी जो कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए, उसने पेट्रोलियम कर रखा था वेनेजुएला ने, पेट्रोलियम की प्राइस अभी गिरी गई थी बीच में, तो वो वेनेजुएला आज दिवालिया है, दिवालिया हो गया वेनेजुएला कंट्री। ठीक है, रेड बेसिन किसे कहा जाता है, ये आपका नहीं नॉर्थ अटलांटिक क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये रेड बेसिन जो है ये चाइना है। ठीक है, सो ये रेड बेसिन जो है यहाँ पीछे जो दिया ही था चाइना हो जाएगा, सो रेड बेसिन इज चाइना, उसको रेड बेसिन कहा जाता है। रेड क्या सिग्निफाई करता है, रेड आपका कम्युनिज्म सिग्निफाई करता है, कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट पार्टी है ना चाइना की, कम्युनिज्म, साम्यवाद, साम्यवाद सिग्निफाई करता है, ये हो जाएगा, समझ में आया। सो ये रेड बेसिन कम्युनिस्ट फिलोसफी सिग्निफाई करता है, लेफ्ट, लेफ्ट बींग वामपंथ की फिलोसफी सिग्निफाई करता है, एक्सट्रीम केस, वामपंथ का एक्सट्रीम केस कम्युनिज्म सिग्निफाई करता है रेड बेसिन। ठीक है, चलिए ये था, आगे बढ़ेंगे आप, तो और कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, आगे फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट एज वेल एज डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, बता दो भाई, सिंपल सवाल, ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट, तो पीछे काफी लोगों ने आंसर दिया था पिछली बार, जैसे ये एकता जी ने, मीनाली जी ने और सोमा जी ने, दिव्या जी ने, पल्लवी जी, जूली जी, दिव्या जी, जीतू जी, काफ़ी लोगों ने जवाब दिया था, तो इस बार जवाब फिर से देना चालू कर दिया लोगों ने, जूली जी ने दिया है, एकता जी ने दिया है, देते जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राणा जी ने भी सही जवाब दे दिया है, देते जाओ आप सवाल का जवाब, प्रिंस जी ने, मनोरमा जी ने, और ये अच्छा आप यूँ कह रहे हो कि कुबा, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है बिल्कुल सही हो सकता है। सो कुबा अलग अलग देश है जहाँ पर कोई पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा उगाती उग जाती है तो उसको उसका कटोरा कह देते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में छत्तीसगढ़ को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि भारत का धान का कटोरा, तो यहाँ पर सभी ने, सब लगभग सभी ने सही आंसर दिया है, पल्लवी जी ने ये, और कौन कौन, मनोरमा जी ने, बाबूराम जी ने, और दिव्या जी, सोमा जी, मीनाली जी, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, सो ये सिंपल ही था, ये बाकी लेक तो आप जानते ही हैं कहाँ कहाँ हैं, सो फिर भी एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ हैं, सो लेक बेकल, ठीक है सही है, लेक बेकल जो है वही इसका सही जवाब है, इनफैक्ट लेक बेकल जो है उसमें विश्व का सबसे ज़्यादा पानी किसी अगर लेक में है तो लेक बेकल है, तो आप सोच रहे होंगे कि लेक बेकल से बड़े लेक तो हैं, सरफेस एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ा लेक है वो लेक बेकल तो नहीं है, वो तो कैस्पियन सी है जो इतना बड़ा है कि उसको समुद्री कह दिया जाता है, कैस्पियन सी, पर वो असल में एक लेक है, सो कैस्पियन सी होना चाहिए सबसे ज़्यादा पानी वाला, पर ये गलत जवाब है, क्यों, क्योंकि लेक बेकल जो है वो विश्व का सबसे मतलब ज्यादा पानी वाला लेक है और विश्व का सबसे पुराना लेक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी गतिविधियों के कारण, विवर्तनिकी के कारण ये लेक बने हैं, टेक्टोनिक फोर्सेस प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर नीचे होने के कारण ये लेक बने हैं, लेक बेकल, इसमें ये इसमें इतना ज्यादा पानी कैसे, क्योंकि सबसे गहरा लेक है, तो ये विश्व का सबसे गहरा लेक है और विश्व का सबसे पुराना लेक है जो कि कहाँ पाया जाता है, रशिया में, ये देखो मैप, ये रहा लेक बेकल का मैप, देखो आप ये रहा लेक बेकल, ये मंगोलिया है, ये चाइना, नॉर्थ कोरिया, जापान, और ये आपका रशिया है ये पूरा, तो ये मंगोलिया के जस्ट ऊपर पड़ता है लेक बेकल, और ये समर्स में जम जाता है, समर में ये पूरा तरह से जम जाता है, इनफैक्ट बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री भी है यूट्यूब पे जो कि वो बताती हैं कि वो लेक बेकल जम जाता है, फिर उसमें गड्ढा करके कैसे अंदर जाते हैं लोग, अंदर मतलब ऐसे ही कुछ कुछ करने, अब ठीक है, सो 1996 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया था। सो बाकी लेक के बारे में आपको पता ही होगा, जो आपके लेक हुरोन और लेक विनीपेग हैं, ये तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ग्रेट लेक्स हो जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ग्रेट लेक्स हैं ये, ग्रेट लेक्स कौन कौन से हैं आपका, लेक ओंटारियो भी आ जाएगा, लेक सुपीरियर आ जाएगा, लेक सुपीरियर, लेक ओंटारियो, ठीक है ना, सो लेक आपका कौन कौन सा आ जाएगा, लेक विनीपेग, लेक हुरोन और एक और लेक है, टोटल पांच लेक है, सो अगर पांचवे का लेक का किसी को नाम पता हो तो बता दो भाई, लेक विनीपेग,
एक और लेक का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पर अगर किसी को पता हो तो बता सकता है, पांचवे लेक का नाम क्या है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो लेक हैं उसमें से, लेक सुपीरियर, लेक विनिपेग, लेक ओंटारियो, लेक पता नहीं एक और लेक है। सो ये पांच ग्रेट लेक्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसमें से ये है। लेक विक्टोरिया जो है वो आपके अफ्रीका में सिचुएटेड है, अफ्रीका में सिचुएटेड है, कीनिया भी उसकी बाउंड्री है, कीनिया आसपास वो युगांडा, युगांडा तंजानिया वगैरह वो इन सब की बाउंड्री है। सो ये लेक विक्टोरिया अफ्रीका में सिचुएटेड है, सेंट्रल अफ्रीका कह सकते हो आप, वहाँ पे सिचुएटेड है। चिल्का लेक आपको पता ही है कि चिल्का लेक उड़ीसा में सिचुएटेड है, तो ये हो जाएगा ठीक है। सो ये यूएसए के ग्रेट लेक हैं। और लेक बेकल आपका, जैसे कि अभी हमने देखा कि लेक बेकल जो है वो रूस में सिचुएटेड है, रशिया में सिचुएटेड है, मंगोलिया के जस्ट ऊपर, ठीक है। सो देखते हैं, वही आपने कुछ कुछ यहाँ मिशिगन, बिल्कुल सही है, लेक मिशिगन सही बताया आपने गौरव जी, ठीक है। सो यहाँ पे लेक पांचवा जो लेक है उसका नाम है लेक मिशिगन, मिशिगन। तो ये जो सारे लेक हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पे सिचुएटेड है, ठीक है। और इन लेक के किनारे बहुत अच्छी अच्छी नदियाँ भी सिचुएटेड है, सॉरी नदियाँ नहीं, बहुत अच्छी अच्छी सिटीज़ भी सिचुएटेड है, जैसे कि आपकी शिकागो नाम की सिटी या फिर डेट्रॉइट नाम की सिटी, तो इस तरह से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये लेक बेकल का याद रखना कि विश्व का सबसे ज़्यादा पानी जिस लेक में है वो लेक बेकल में है, विश्व का सबसे पुराना लेक भी है और विश्व का सबसे डीप लेक भी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। सो अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन आइडेंटिफाइड एज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। टोटल मतलब 8 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट खोजे गए थे पूरे विश्व में। इसका हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है? हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है कि वहां पे बहुत ज्यादा जैव विविधता है, पर वो जो जैव विविधता है वो डेंजर में है। क्यों डेंजर में है? ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण, मतलब मानव की गतिविधियों के कारण बहुत ज़्यादा डेंजर में है वो, वहाँ की जैव विविधता, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोग नहीं, जो जानवर हैं, जो वनस्पति हैं, वो थोड़े से एंडेंजर्ड हो चुके हैं, तो उसको संरक्षण की ज़रूरत है, कंजर्वेशन की ज़रूरत है। तो ऐसा कौन सी जगह थी जो कि भारत में आइडेंटिफाई की गई थी, बता दो जल्दी, कौन कौन सी जगह थी भारत में? एक ही जगह थी, इनफेक्ट दो जगह थी भारत में हॉटस्पॉट, एक तो आपके, ठीक है डिस्कस करते हैं अभी। सो इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जो कि हॉटस्पॉट बोला गया है? तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल सही है, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है वो जो आपने बताया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने जवाब दे दिए हैं, जैसे कि ये गौरव पूर्वर जी ने जवाब दे दिया है, यहाँ पे हॉटेस्ट हॉटस्पॉट की मिश्रा जी ने जवाब दे दिया है, तो अर्पणा राणा जी ने जवाब दिया है, पर आप फिर से जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देव राव जी ने जवाब दिया है, सोनाली सिंह जी ने जवाब दिया है, फिर से जवाब दे दो, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा बफरिंग की शिकायत फिर आ रही है, ओके बफरिंग, ठीक, थोड़ी देर रुकना होगा हमको। ठीक है, सो वापस मेरे ख्याल से ठीक हो गया सब, तो आप अपने जवाब देते रहिएगा, जवाब आप अपने देते रहिएगा, इसको डिस्कस कर लेंगे हम। तो ओके चलिए देखते हैं। सो इसका जवाब सबको पता ही था, इसका जवाब जो है वो वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने जवाब दे ही दिया है इसका, वेस्टर्न घाट, तो ये सही है, सोनाली सिंह जी ने भी फिर सही आंसर दे ही दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बफरिंग की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, सो उसके लिए तो अब ओके। सो लगभग हमारा लेक्चर हो ही गया है, हाँ अभी ठीक नहीं हुआ वो, ओके ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने जवाब दे दिया है, और ये वेस्टर्न घाट से जवाब दिया है ज़्यादातर लोगों ने, सो सही है, जैसे कि आपने पल्लवी जी ने, चमन जी ने आपने सही जवाब दिया, राणा जी ने, और यहाँ पे मनोरमा जी ने, और मीनाली जी ने, जसप्रीत जी ने, और देख लेते हैं वही, ठीक है, तो ये सही है। तो दिव्या जी, प्रिंस जी, आपका जवाब भी सही है, तो चलो ये आगे बढ़ जाते हैं। सो वेस्टर्न घाट्स ही इसका सही जवाब है, यहाँ पे फिर और भी लिख रखा है उन्होंने कि नॉर्मन मायर्स नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने डिक्लेयर करा था, जो ब्रिटिश एनवायरमेंटलिस्ट नॉर्मन मायर्स, उन्होंने डिक्लेयर करा था कि हॉटस्पॉट इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन को कहते हैं, तो जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील इलाके को हॉटस्पॉट कहते हैं, और वो आपका वेस्टर्न घाट से भारत का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। सो अगला सवाल, तो चलो इतना कंप्लीट कर लिया हमने, सो इस तरह से हमने अपना लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं हम। सो अभी आपको कोई भी डाउट हो तो आप लिख दो, मैं आपके सारे डाउट अभी बाद में देख लूँगा। पश्चिम, हाँ पश्चिम घाट कह सकते हो आप मनोज जी, और इसको एक और नाम है वेस्टर्न घाट्स का, आपको पता ही होगा सह्याद्री पर्वत, तो वेस्टर्न घाट्स का एक और नाम है सह्याद्री,
सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं वेस्टर्न घाट्स को, तो वो भी ये नाम भी आपको कहीं ना कहीं दिख सकता है, सह्याद्री पर्वत, वो भी वेस्टर्न घाट्स का ही नाम है, याद रखना है सह्याद्री पर्वत वेस्टर्न घाट्स ही है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा लेक्चर, तो फिर मैं आपको कुछ जो भी कमेंट हो आप पूछ लो, कमेंट आप अपने करते जाओ, मैं सारे कमेंट आपके देख लूंगा, तब तक मैं अनाउंसमेंट वगैरह कर देता हूँ। तो स्टेट पीएससी प्रिपरेशन ग्रेड अप के साथ कर सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए, बीपीएससी के लिए, बीपीएससी सीडीपीओ के लिए, या फिर हरियाणा सिविल सर्विस, झारखंड, मध्य प्रदेश, या फिर हम एनसीईआरटी के भी कोर्सेज चलाते हैं, दोनों में चलाते हैं, हिंदी में भी चलाते हैं एनसीईआरटी का कोर्स, और इंग्लिश में भी चलाते हैं, दोनों में ही चलते हैं। तो हम इस कोर्सेज में सुपर का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करेंगे आप, तो 200 से ज़्यादा लाइव इंटरेक्टिव सेशंस आपको ज्वाइन करने को मिलेंगे, 200 से ज़्यादा पीडीएफ भी दी जाएंगी, 10 से ज़्यादा मॉक टेस्ट और 2500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको करने को दिए जाएंगे। सो ये ग्रेड अप पे ये वाला नंबर है हमारा 9650052904, ये आप इस पे लगा सकते हैं, काउंसलर से हमारे बात कर सकते हैं, काउंसलर महोदय से। जो भी डाउट हो प्लीज़ हमारे काउंसलर से ज़रूर बात करिएगा। तो ये स्टेप है, इस स्टेप से, इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रेड अप। पहले आपको अपना प्लान सेलेक्ट करना है, फिर कूपन अगर आपके पास है तो आप लगा दीजिए, फिर आपको पेमेंट करना है। तो इस तरह से देख सकते हो आप किस तरह से फीस है, 3 महीने की इस तरह से है, 6 महीने की और 12 महीने की फीस ये है। सो ग्रेड अप सुपर सब्सक्रिप्शन से आपको काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि आपको एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान मिलेगा हमारी तरफ से, वो प्लान आप फॉलो कर लीजिए, काफ़ी मदद मिलेगी आपको उस प्लान से। फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी है हमारी, देखेंगे अभी आगे, आप स्टडी मटेरियल भी मार्केट में सबसे बेस्ट है, मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट भी आपको करने को मिलेंगे, और पीडीएफ और क्विजेज भी आपको रेगुलरली करने को मिलेंगे। तो सभी जो रनिंग और अपकमिंग कोर्सेस हैं सभी का एक्सेस आपको मिल जाएगा। सो आपको अलग अलग मतलब कोर्सेज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, एक ग्रेड अप सुपर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उसमें आपके सारे कोर्सेस आ जाएंगे। और कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो हमारे काउंसलर को जरूर फोन करके उससे उनसे डिस्कस कर सकते हैं आप, हमारे काउंसलर का नंबर आपके सामने है। तो ये हमारी फैकल्टी है, श्री राजेश यादव जी हैं, ये मैं ही हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, वारिस सिद्दीकी साहब हैं हिस्ट्री पढ़ाते हैं, शैलेंद्र सिंह जी हैं, हिमानी सूरी जी हैं, पंकज बर्मन जी हैं, और देखते हैं नमन जैन जी हैं, आनंद कुमार जी हैं, निखिल बांदे जी हैं, अनिकेत जादव जी हैं, मोहम्मद जावेद जी हैं, निर्मेश कुमार जी हैं, और साथ ही में हमारे अभिषेक राठौर जी हैं, कुंवर प्रतीक जी हैं, रोहन त्यागी जी हैं, बी तेजसाई जी हैं, वासु कटारा जी हैं, और हर्षमीत सिंह जी हैं। तो काफ़ी अच्छी फैकल्टी है हमारी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है हमारी फैकल्टी से, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा हमारा ग्रेड अप। और टेलीग्राम पर भी हम लाइव आते रहते हैं, लाइव सेशंस बीच बीच में हम फैकल्टी के कराते रहते हैं टेलीग्राम ऐप पर, और साथ ही में हम स्टडी मटेरियल और शॉर्ट नोट्स भी डालते रहते हैं टेलीग्राम ऐप पर, तो उसे भी आप ज्वाइन कीजिएगा, और हमारा लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप जो भी साथ में आपके तैयारी करने वाले हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, आप उनके ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ आपको वीडियो भी देखना है, सो वीडियो भी देख लेते हैं हम। ओके, दो ऑप्शंस है, सिर्फ प्रेप करो या ग्रेड अप के साथ सही प्रेप करो। ये है मिस्टर पीएचडी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की स्टडी मटेरियल हंट करने में पीएचडी। अपने एग्जाम की तैयारी के लिए 29 वेबसाइट से 20,000 पेजेस का स्टडी मटेरियल पीडीएफ में डाउनलोड किया है, प्रैक्टिस पेपर्स भी। इतनी पीएचडी के बाद एग्जाम क्लियर होगा पता नहीं, तो सही प्रेप करना है यार, बेस्ट स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए ग्रेड अप है ना। ग्रेड अप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। डाउनलोड नाउ। ठीक है, चलिए। सो ये किसी ने कुछ लिखा था तो आपने सही कहा, लेक एरी है वो जो 5 ग्रेट लेक्स में आता है, लेक एरी है वो, यहाँ पे शायद हमने गलत लिख लिया था, तो 5 ग्रेट लेक्स में लेक एरी है, और लेक विनीपेग जो है वो थोड़ा सा उससे दूर पड़ता है, लेक विनीपेग। तो लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरोन, लेक ओंटारियो और लेक एरी, ये आते हैं 5 ग्रेट लेक्स में, और लेक विनीपेग जो है वो थोड़ा सा दूर पड़ता है इन 5 ग्रेट लेक्स से। ठीक है, सो यहाँ पे दूसरा वो आपका जो विंटर में ही जमती है वहाँ पे, वो समर में नहीं जमती, हो सकता है मैंने शायद गलती से गलत बोल दिया हो कि समर में नहीं विंटर्स में ही जमती है,
जो लेक बेकल है वो विंटर्स में ही जमती है। और देख लेते हैं कौन कौन सा कुछ पूछा था आपने। ओके, तो चलिए ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। ये लेक्चर अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।